बिस्मिल्लाह मैम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशा का किचन। आयशा के किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी, कुरकुरी सी और चटपटी सी भिंडी। भिंडी फ्राई हम बनाएंगे जो कि बहुत ही झटपट बन जाएगी और बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। हर घर में तकरीबन भिंडी बनती है और सब ज़्यादातर पसंद भी करते हैं सब्जी को। तो हम लोग भिंडी किस तरह से बनाते हैं आप लोग आज ये देख लें और नोट कर लें। इसको हम चपाती के साथ सर्व करेंगे और कुछ लोग पराठे के साथ भी इसको पसंद करते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। एक कढ़ाई के अंदर हमने आधा कप या उससे थोड़ा सा कम ऑयल लिया है और इसके अंदर आधा चाय का चम्मच हमने ज़ीरा डाल दिया। साबुत ज़ीरा हमने इसमें डाला है, इससे इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्ती आती है। अक्सर सब्ज़ियों में ज़ीरा डाला जाता है ऑयल में पहले, इससे फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, खुशबू भी। और इसमें हम डालेंगे राई दाना, आधा चाय का चम्मच इसमें राई डाली है हमने ताकि इसमें एक खट्टा सा फ्लेवर आ जाए। अब इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे। इसको हमने गरम ऑयल में ही डालना है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, छोटी वाली हरी मिर्च ली थी मैंने 4 अदद, उसको मैंने कट करके मोटा मोटा सा वो इसमें डाल दिया है। और उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और एक छोटे साइज का टमाटर मैंने इसमें स्लाइस करके डाल दिया है। और इसको हम हल्का सा भून लेंगे, 30 से 40 सेकंड्स तक हम इसको भून लेंगे ताकि ऑयल में इन तमाम चीज़ों की खुशबू बहुत ज़बरदस्ती आ जाए और फ्लेवर भी आ जाए, क्योंकि ऑयल सब्ज़ी के अंदर तक पहुंच जाता है। तो फ्लेवर वाला ऑयल जब जाएगा तो वो पूरी सब्ज़ी को फ्लेवर वाला बना देगा। तो इसको हम हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा हमने गलाना नहीं है क्योंकि सब्ज़ी भी जो हमारी पकेगी उसके साथ भी टमाटर गल जाएंगे। बहुत मज़े की भिंडी बनकर तैयार होती है, आप एक बार इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनती है, ना इसमें प्याज डलती है, ना लहसुन, ना अदरक। बहुत ही चंद मसालों के साथ हम इसको झटपट से बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमने भिंडी डाल दी। अच्छा, भिंडी को मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, वॉश करने के बाद फिर मैंने इसको कटिंग कर लिया। आप जब कटिंग करेंगे तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कटिंग करना है हमें। और भिंडी भी हमने छोटी वाली लेनी है, बहुत बड़ी या बहुत ज़्यादा बीज वाली भिंडी हमने नहीं लेनी है। ज़्यादा बीज वाली भिंडी होती है तो वो फट सी जाती है, उसका फ्लेवर भी अच्छा नहीं होता। इसमें आधा चाय का चम्मच इसमें नमक डाल देंगे हम, उसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, चम्मच चलाते वक्त भी हमने ये इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है, बस नीचे से ऊपर की तरफ इसको लेकर जाना है ताकि ये मिक्स हो जाए। अब इसको हम कवर करके रख देंगे और 5 मिनट तक इसको कवर करके ही हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल लिया है। अब ये देखें, अच्छी तरह से भिंडियाँ गल चुकी हैं लेकिन इसका जो स्टार्च है वो अभी इसमें मौजूद है। तो अब हम इसको 5 मिनट तक ढक्कन को हटाकर और तेज़ आंच पर पकाएंगे। बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना है, बस इसको हल्का हल्का सा नीचे से ऊपर की तरफ उठाना है और इसको हम मीडियम आंच पर ही पका लेंगे 5 मिनट तक। और अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी भिंडी पसंद है आप इसको थोड़ी देर तक और पका सकते हैं तेज़ आंच पर, फिर उससे ये बहुत ही क्रिस्पी सी बन जाएगी। देखिए, 5 मिनट बाद इसकी ये कंडीशन है, हमने इसको 5 मिनट तक पका लिया है तो ये हमारी तैयार हो चुकी है। हमें इतनी ही चाहिए थी। अगर आपको और क्रिस्पी पसंद है तो आप 2 मिनट तक इसको तेज़ आँच पर और पका लें। इसको जो हमने ढक्कन खोल कर पकाया है 5 मिनट तक, ये बहुत ज़रूरी है। इसे होता यह है कि भिंडी बहुत ज़्यादा सौगी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती है। अगर मुस्तकिल आप इसको ढक्कन ढाक कर पकाएंगे तो ये इतनी क्रिस्पी और खिली खिली नहीं पक पाएगी। ये देखें कितनी अलहदा अलहदा से है, भिंडी बिल्कुल भी चिपकी नहीं है। बहुत ओवर कुक भी नहीं करनी है हमें इसको। बहुत मज़ेदार से भिंडी बनकर तैयार होती है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए, हमने इसमें कितने कम मसालों के साथ कितनी मज़ेदार चटपटी सी भिंडी को तैयार कर लिया है। तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक किया करें चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारी पिछली जो वीडियोज़ हैं उसको भी आप लोग वॉच करें। और नए सब्सक्राइबर जो हमारे हैं उनको हम वेलकम कहते हैं। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर ट्राई करना है, बहुत अच्छी भिंडियाँ आ रही हैं सीज़न में। तो आप लोग एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको हम चपाती के साथ सर्व करेंगे। चलिए, मिलते हैं फिर किसी और मज़ेदार से रेसिपी के साथ आयशा के किचन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।